सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। और मैं अभी अपनी टेरेस पे हूँ। एज़ यूजुअल सुबह का टाइम है और आज आपको मौसम दिखाऊंगी। मौसम बहुत अच्छा हो गया है सच में। और जैसे हम कह रहे थे ना कि गर्मी आ रही, बट अभी अगर आप मौसम देखोगे तो ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एक महीने तक तो अभी गर्मी नहीं आने वाली, इतना अच्छा मौसम आज हो रहा है। तो मैं मौसम दिखाऊँ आपको, उससे पहले मैं आपको ये एक बास्केट दिखाती हूँ जो कि हैंगिंग प्लांटर है। और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें लगाई थी, मतलब 5 to 6 प्लांट्स हमने इसमें लगाए थे जो कि सर्दियों में डॉर्मेंसी में चले गए थे, और लेकिन अब उनकी ग्रोथ फिर से अच्छी हो गई है। और आपको ये बताऊं मैं कि इसमें मैंने मिट्टी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था। इसमें सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर था, थोड़ी सी नीम खली के साथ बस मैंने ये प्लांट्स लगा दिए थे। और जब ये बास्केट बनाई थी तो मैंने उसका वीडियो शेयर किया था, तो आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो इसमें आप जैसा कि देख पाओगे कि एरो हेड लगी है इसमें, और सब में ही नई नई शूट्स हैं। इसमें वॉन्डिंग जू लगी है, इसमें भी नई शूट्स हैं। ये देखो, ये हमारी पर्पल हार्ट है। फिर कोलियस की कटिंग करके मैंने जो दूसरी कटिंग्स तैयार की थी वो तैयार हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी सर्वाइव नहीं कर पाई जैसे मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया। तो जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ पर, लेकिन ये अब दोबारा से नई शूट जल पड़ी है। उसके बाद यहाँ पे हमारी जेड की कुछ कटिंग्स थी, उन्होंने भी सरवाइव कर लिया, वो भी अच्छी से चल रही हैं। और यहाँ पे फिर आप देख पाओगे ये है स्वीट विलियम के भी 2 पौधे मैंने इसमें लगाए थे। ये ना ही डेड हुए और ना ही इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, थोड़ी बहुत ग्रोथ तो इनकी चल रही है बट बहुत अच्छा ये ग्रोथ नहीं कर पाए। चलिए आपको मौसम मैं दिखाती हूँ। और आज काफ़ी सारे क्लाउड्स हैं, इनफैक्ट रेन से रात से ही थोड़ी आंधी वगैरह आनी स्टार्ट हो गई थी, और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है। मतलब ऐसा नहीं हो रही एकदम मूसलाधार वर्षा जैसे होती है, वो नहीं है, बट हाँ मौसम अच्छा हो गया और थोड़ा प्लांट्स के लिए बारिश हो गई है तो इतना अच्छा है। और ये पेड़ जो आपको ये वाटर टैंक्स के पीछे दिखाई दे रहा है, ये सर्दियों में बिल्कुल डॉर्मेंसी में चला जाता है, एक भी लीफ इसके ऊपर नहीं बचती है। लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो ये पूरा हरा भरा हो गया है फिर से। और इसमें घोंसला भी मैंने आपको बताया था कि एक बुलबुल का घोंसला है, बुलबुल नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसको, डव बोलते हैं और घुघुती बोलते हैं इसको हिंदी में। और उसके साथ यहाँ पे गिलहरी के भी घोंसला होता है, तो कभी हम देखते रहते हैं कि कभी गिलहरी के बच्चे हो रहे हैं, कभी डव के बच्चे हो रहे हैं, तो एक एंटरटेनमेंट सा चलता रहता है। अभी पूरा ये ग्रीन हो गया है और पूरा सर्दियों में बिल्कुल इसके आर पार दिखता है, लेकिन जैसे ही इसमें लीव्स आती हैं तो फिर इसमें से आर पर देखना भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये बहुत अच्छी इसने बढ़त ले ली है, हमारे सामने सामने ही ये इतना बड़ा हो गया है, तो ये तीसरी चौथी मंजिल पे जा रहा है। और जब हमने देखा था इसको स्टार्टिंग में तो बहुत ही छोटा सा प्लांट था, तो ये देखो 360 डिग्री व्यू देखो कैसा मौसम है आज, बहुत ही बढ़िया, एकदम सुहावना मौसम, घूमने वाला मौसम है आज। बट चलिए अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी हम टेरेस पे आते हैं और अपना काम करते हैं। आज का मौसम ऐसा है ना कि आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो अपनी सीडलिंग्स वगैरह आप करना चाहते हो, क्योंकि धूप नहीं आने वाली आज और मौसम ऐसा ही रहेगा, तो इसलिए दिन में भी आप अपनी ट्रांसप्लांट कर सकते हो सीडलिंग्स को। और मैं बेसिकली यहाँ पर ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ आज। ये देख पाओगे आप कि यहाँ पर कुछ कैप्सिकम्स और ये वाइट वाले ब्रिंजल है, इनकी सीडलिंग्स तैयार हो गई हैं, इसमें से कुछ ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो चलिए हम करते हैं इसको निकालने की कोशिश। ये जो सबसे बड़ा पौधा आपको दिख रहा है, जब भी आप सीडलिंग्स लगाते हैं ना बहुत सारी, तो उनको ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करें जो आपको सबसे हेल्दी दिखते हैं या जिनकी ग्रोथ सबसे अच्छी हो रही हो। और ये देखो, ये है ये जो पौधा है आपको दिख रहा है, इसे मैं सबसे पहले निकालूंगी। दिक्कत ये होती है कि एक सीडलिंग नहीं निकाल पाते आप कई बार, अगर आपने इस तरीके से सीड्स लगाए हैं तो 2-3 साथ में होती हैं तो साथ में निकालनी पड़ती हैं। तो चलिए पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये 2 सीडलिंग्स मैंने यहाँ से निकाल ली हैं, दोनों ही हेल्दी लग रही हैं और दोनों में ही ट्रू लीव्स आ गई हैं, तो दोनों को ही हम फिर ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस तरीके से आपको लगता है कि ये अलग नहीं हो पाएंगे तो आप इसको क्या कीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए और पानी में डाल दीजिए, और पानी में डालने के बाद जब इसकी पूरी मिट्टी अलग हो जाएगी आपको सिर्फ रूट्स के साथ आपको आपकी सीडलिंग तैयार मिलेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इसको अलग करने के चक्कर में इसकी रूट्स को डैमेज कर लेते हैं, तो वो हमको काम नहीं करना है। तो एक पौधे को हम लगाने वाले हैं इस वाले पॉट में जिसे मैंने खाली कर लिया था 3-4 दिन पहले, और इसमें पहले लगी हुई थी हमारी क्रिसेंथम्स, हमारी पालक भी लगी थी और भी एक दो चीज़ें थी, अब पौधा निकाल दिया मैंने तो मैं भूल गई हूँ। तो चलिए इसको मैं पहले अलग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम इसको इसमें लगा देते हैं। देखो ये तो हो ही गया, काफ़ी आसानी से हो गया, ये आप देख पाओगे इसमें भी ट्रू लीव्स आ गई हैं। और इसको यहाँ रखते हैं फ़िलहाल के लिए,
तो बस हमें इसके सेंटर में लगा देंगे एक अच्छे से इस तरीके से होल करके। और इसको आप इसकी ये जो नीचे वाली लीव्स है ना जो ख़राब हो रही हैं इसको हटा सकते हैं। ये देखो इस तरीके से इसमें लीफ माइनर वगैरह भी लग रही है। तो काफ़ी दिन हो जाते हैं ना जब सीडलिंग्स को आप प्रॉपर टाइम पे ट्रांसप्लांट नहीं करते हो तो फिर पेस्ट का अटैक होता है उन पर। चलिए मैं लगाती हूँ इसको। तो ये लगा ली मैंने सीडलिंग्स, और जब भी आप सीडलिंग लगाएं तो कोशिश करें उसकी सारी रूट्स उसके अंदर चली जाएं मिट्टी के अंदर, और फिर आप उसको उसके साइड्स में से अच्छे से इस तरीके से प्रेस कर दें और उसके एयर पॉकेट्स को यहाँ से ख़त्म कर दें ताकि एयर पॉकेट ना रहें और फिर फंगस वगैरह का भी प्रॉब्लम ऐसा ना आए। तो ये हमारी एक सीडलिंग हो गई, इसको भी हम लगाते हैं। तो ये है पार्सले जो कि दो बार हार्वेस्ट होने के बाद फिर से काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अभी मैं इसको फाइनल हार्वेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि दूसरी साइड हमारी एक टब में भी लगा हुआ है ये, जैसा कि आपको पता ही होगा मैंने आपको दिखाया है जहाँ पे हमारी बीन्स लगी हैं वो उस तरफ को, वो पीछे जो वाटर टब है ब्लैक वाला तो उसमें भी लगा हुआ है। तो इसको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ और मैं इसको खाली करने वाली हूँ। इसमें हमने पहले पाइनएप्पल लगाया था, उसे हमने हार्वेस्ट किया और फिर उसके बाद हमने उसको दोबारा से इसमें लगाया ताकि उसमें न्यू शूट्स आ सकें, बट वो अच्छे से नहीं चल पा रहा था, उसकी ग्रोथ मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने फाइनली उसको हटा ही दिया। और अब हम इसको भी हार्वेस्ट करने के बाद इसको मैं हटा दूँगी यहाँ से और इसमें हम फिर लगाएंगे अपनी सीडलिंग्स जो कि हैं कैप्सिकम की और ब्रिंजल की, काफ़ी सारी सीडलिंग्स तैयार हैं। तो इसको निकाल के, इसको अब जड़ से निकाल के ये देखो इस तरीके से सो ये निकाल लिया मैंने बाहर इनको, और इनकी रूट्स देखो आप, ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटी छोटी मूलियाँ हों। मैंने पहली बार देखी इनकी रूट्स और काफ़ी नीचे तक चली जाती है, इनकी टैप रूट्स जैसी हैं ये, देखो नीचे तक जा रही हैं। मगर खुशी की बात ये है कि इनकी रूट्स काफ़ी हेल्दी हैं। देखो ये वाइट कलर की रूट्स दिखती है ना हमको, तो इससे पता चल जाता है कि आपके प्लांट्स भी काफ़ी हेल्दी थे और आपकी रूट्स भी जो है वो रूट का सिस्टम अच्छा है। ऑब्वियसली अगर आपके प्लांट्स का रूट्स का सिस्टम अच्छा है तभी आपके प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, अदरवाइज़ उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो हम कर लेंगे इसकी मिट्टी को थोड़ा सा शफल जैसे कि आप ये देख रहे हो, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ ऐड करके और इसको थोड़ा छोड़ देंगे एक दो दिन के लिए, उसके बाद इसमें अपनी सीडलिंग लगाएंगे हम। सो फ्रेंड्स आप देखोगे कि इस तरीके से मैंने इस पॉट में छोटी वाली जो दूसरी सीडलिंग थी उसको लगा दिया है और इसके साथ में जो है वो जगह खाली है तो इसके लिए हम यहाँ पर ये लगा देते हैं जो कि मेरे वाइट अनियंस की सीडलिंग बिल्कुल तैयार हो रखी है। तो इसको ट्रांसप्लांट करना भी सही रहेगा तो इसलिए मैं इसकी सीडलिंग्स को अब यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देती हूँ इसके किनारे किनारे में जहाँ पर स्पेस खाली है। तो ये देखो आप मिट्टी से निकालने के बाद इसकी सीडलिंग्स कुछ ऐसी दिख रही हैं, हेल्दी हैं, अच्छी रूट्स हैं, तो इनको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। तीन तीन एक साथ ही लगी हुई हैं तो इसी तरीके से मैंने सीड भी डाल दिए थे, तीन तीन चार चार एक साथ, तो जो जो जर्मिनेट होने थे वो हो गए और जो नहीं हुए वो चलिए कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं आप कि अलग अलग करने के बाद तीन मुझे यहाँ पर मिल गए हैं, तो इस तरीके से फिर इनको ट्रांसप्लांट करना सही रहेगा ताकि हमें आने वाले फ्यूचर में वाइट अनियन की सीडलिंग्स, वाइट अनियंस भी मिल पाएँ। तो सीडलिंग्स हमने ट्रांसप्लांट कर दी हैं, कुछ मैंने यहाँ लगा दी, एक दो तीन चार पाँच छः सीडलिंग्स यहाँ पर आ गई हैं और एक दो तीन चार पाँच छः सात यहाँ पर है। तो ये जो ज़्यादा क्लोज थी मैंने उनको भी अलग अलग कर दिया है, ये आप देख पाओगे। हल्का सा हम पानी डाल देंगे, हल्का सा क्योंकि अभी हमने इनको थोड़ा ट्रांसप्लांट किया है ना तो इसलिए शॉक लग जाता है प्लांट्स को, तो थोड़ा सा हम डाल देंगे तो उनको सपोर्ट मिल जाएगा। और वैसे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, मिट्टी भी गीली है और पानी भी गीली है, प्याज में बहुत ज़्यादा पानी लगता नहीं है और क्योंकि मॉइस्चर उसमें बहुत ज़्यादा होता है नीचे, यहाँ हम डाल देंगे क्योंकि ये मिट्टी ऑलमोस्ट सूखी ही है और ये पौधे जो है बिल्कुल नए हैं तो इसलिए हम इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देते हैं। तो फर्स्ट वाटरिंग जब भी आप करें ऐसी करें ताकि आपके प्लांट्स में इसके नीचे से बॉटम से ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए। अगर आपने बिल्कुल सूखी मिट्टी में पौधा लगाया तो, बट ये मिट्टी जैसे आप देख पाओगे ये गीली ही थी तो इसमें हम थोड़ा ही पानी डालें तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। ये देखो मिट्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जल्दी से आपका पानी जो है वो मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले और उसको ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली बहुत अच्छा होना चाहिए। ये देखो विद इन अ सेकेंड ये सारा पानी अंदर सीप इन हो गया। उसके बाद ये आप देख पाओगे यहाँ पर जहाँ पे हमने फ्रेंच बीन्स लगाई थी, फ्रेंच बीन्स तो बेचारी चल ही नहीं पाई,
पता नहीं वो इस बार लगता है फ्रेंच बीन्स होने वाली नहीं ढंग से। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी अच्छी फ्रेंच बीन्स लगाई थी और वो काफ़ी अच्छी हो भी गई थी, और ये पोर्चुलाका से मुझे अब निपटना मुश्किल हो जाएगा, इतनी सारी हो जाती है ये। तो यहाँ पर ये जब ग्रो बैग खाली हो ही गया तो मैं एक यहाँ पर कैप्सिकम ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ, बट उससे पहले हम मिट्टी को थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। तो ये अब देख पाओगे खाली ही पड़ा है ये 2-3 दिन से, जब से मैंने वो पौधा निकाल के फेंका फ्रेंच बीन का, और इसका टैग भी अभी तक यहीं पे लगा हुआ है। तो यहाँ लगाते हैं हम उसको, कैप्सिकम को। चलिए लेके आते हैं अपनी सीडलिंग, जो कि अगेन हमें यहाँ से ही लानी है। थोड़ा सा ट्रिकी काम है। तो ये 2 सीडलिंग्स निकाली मैंने, जैसा कि आप देख पाओगे। पहले मैंने ये निकाली जिसके साथ ये मिट्टी आपको नज़र नहीं आ रही है, और दूसरी बार मैंने ये निकाली, थोड़ी सी मिट्टी भी साथ में आई है। तो मैंने सोचा चलो 2 सीडलिंग लगाते हैं, क्योंकि इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं बचने के। देखते हैं, सीडलिंग तो ये अच्छी है बट पता नहीं, चलिए देखते हैं। 2 लगा दूँगी मैं उसमें। तो ये भी हमने लगा दी है। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। उसके साथ साथ मैं और भी कुछ सीडलिंग्स लगाने वाली हूँ, तो लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, उसके साथ साथ ही मैंने एक नया पॉट यहाँ पे तैयार करके, और 2 सीडलिंग्स मैंने यहाँ पर इस पर फिर कैप्सिकम की लगा दी। ये मिक्स कलर्स थे, अब कलर्स किस में क्या आएंगे ये नहीं मालूम है, क्योंकि मिक्स थे ये सीड्स। तो इस तरीके से लगा दिए। कुछ यहाँ पे टोमेटो की सीडलिंग्स लगाई हैं जो कि ख़राब हो रही थी इस छोटे से पॉट में, तो आई थॉट कि चलिए पूरी वो ख़राब हो जाए उससे पहले मैं ट्रांसप्लांट कर देती हूँ उनको। और ये छोटा सा फ्रेंड्स वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मिल जाएगा। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज लाती रहती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। बाय बाय।